गुड मॉर्निंग। देखो अभी हम सुबह का टाइम है, सुबह का तो हाँ सुबह ही है, और हम चल रहे हैं अभी शॉप की ओर। तो शॉप की ओर हम निकल रहे हैं, देखो कौन है साथ में। आज इसने मेरा बहुत ज़्यादा मूड खराब किया है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? तूने मेरा ब्लॉग डिलीट किया है डिलीट कर दिया? तो क्या? देखो काम चल रहा है मकान का, तूने मेरे ऐसे ब्लॉग्स ऐसा डिलीट ही किए बनेगा, हैं? जस्ट सेम। ऐसे ही बनेगा? नहीं, बड़ा ही दिख रहा जगह है ना, उतनी है वैसे। बड़ा बन रहा है ना। तो बस हम निकल रहे हैं, और ये है हमारी लोकेशन। देखो ये रोड, ये जाती है सीधे मार्केट तक। मैंने छोटी सी शॉप है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हम चल रहे हैं, और ये भाई साहब लग रहा है आज एडिटिंग कर रहे हैं। मैं 2 दिन से और एडिटिंग करने में लगा हूँ, मेरे एक ब्लॉग नहीं आ रहे हैं भाई, इसके हाँ, चक्कर और पेंडिंग पे पेंडिंग चलता जा रहा है। हल्द्वानी ये कब का पहुंच चुका है वैसे? हल्द्वानी पहुंचे इसको 2 दिन हो गए, और ये अभी अहमदाबाद ही है। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे चलेगा? कितने तो इंतज़ार में हम ही मरे बैठे हैं भाई, कि आज हमारा कब एक आ आएगा, गया हमारा भरो सूट साल कब आएगा। कट गया मैंने यार पूरा आपका। सेव वेव कट करके, हेयर कट करके रखा हुआ था अच्छे से, कि आएगा तो बनाएगा, लेकिन मुझे ही प्राप्ति नहीं हो पा रही ब्लॉग की। क्या करे, मतलब 1 महीने में तो तुम यहाँ पहुँचेगा गाँव है, तब तक तो लोग बोलेंगे भाई इससे अच्छा तो हम ही चले जाते। अरे लोग पैदल पैदल जल्दी पहुंच जाते ये हैं देखो इससे एक चीज़ अच्छा। दिखाता हूँ आपको, ये होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है, देखो ऐसा कोई कर पाएगा? कोई मतलब नहीं है उसे। तो ये है गायत्री कॉलोनी, अभी दिखा देंगे आपको। गायत्री कॉलोनी ये रही, बोला मैं शकल दिखा रहा, ये रही गायत्री कॉलोनी। चलो अभी तो ये है मार्केट, ये देखो ये मार्केट का एरिया। मार्केट भी छोटा सा एक प्लेस है, मेन शॉप सब है यहाँ पे, जितनी सारी पूरा आइटम आपको मिल जाएगा, ग्रोसरी से लेकर मेडिसिन, वेजिटेबल, सब चीज़ मिल मेडिशन जाएगा। मेडिसन हाँ मेडिसिन मिल जाएगा, सॉरी। तो सब चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, देखो चाउमिन, मोमोज़। क्या चीज़? बहुत सारे DCIM की फाइल मिल रही है। कोई नहीं, सब हो जाएगा। वैसे हम आए क्यों हैं? घूमने के लिए। नहीं वो तो है, कुछ भाभी कुछ कह रही थी। नहीं यार इतना टाइम, चलते चलते आ जाएंगे, मेरे टाइम नहीं था, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। लागे तो और ये भैया हमारे सब्जी वाले, एक का रेट लगा था भाई 45 के, 50 रुपये के केले के वो नहीं दिए थे उन्होंने, 50 रुपये के लिए दिए थे। आप समझ के हो गए, रोज ही तो आता है इनकी दुकान में। सीता तो मैंने, सीता मैंने काटा था इनकी दुकान का। हाँ सच में। वो देखो भाई साहब वो चौमिन वाले, वो साथ में, कैसे हाल चाल है? बढ़िया, चलो मिलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं साइड थोड़ा इधर को, अरे तुम्हारी भी ले लेते, आओ यार। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये बिट्टू भाई साहब है हमारे, और काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। और बताओ? बस बढ़िया, बढ़िया सही चल रहा है, आते थे घूमते हाँ, हुए। ठीक है, वो भैया आए नहीं ना अभी? वो नहीं आया ना अभी, टाइम लगेगा उसको शायद, अभी जब वही आएंगे पापा हाँ। तो उसके बाद ही आएगा। चलो ठीक है भाई, और सही चल रहा है मस्त। चलो ठीक है, तो भाई साहब क्या कर रहे हो ये? चलो आगे पोस्ट ऑफिस से घूमते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टैंकी है, ये देखो गाइस टैंकी, अगर आप देखना चाहोगे तो इधर आपको ये टैंकी नज़र आएगी ऐसे। ठीक है, और हम रहते हैं उधर, वो वाला जो पीछे मकान दिख रहा है उसके पीछे हमारा एरिया होगा। तो आगे चलते हैं इधर, यहाँ पर पेट्रोल पंप शायद बन रहा है इधर इस एरिया में, तो कंस्ट्रक्शन हाँ मे बी पेट्रोल पंप ही बन रहा है, तो ऐसा कुछ मैंने भी सुना हुआ था। तो पेट्रोल पंप वाला एरिया है ये, RTO रोड को लिंक करता है, RTO को लिंक करता है हल्द्वानी के, और सीधा ये सेंटर हॉस्पिटल जाता है। तो थोड़ी गर्मी भी है, उमस भी है, और वो देखो आ रहा है दौड़ते दौड़ते, वो पहुंच चुका है। यहाँ पर बन रहा है पेट्रोल पंप। ठीक है, पेट्रोल पंप या
यार कितने पेट्रोल पंप बनेंगे, कहीं बिग बाज़ार तो नहीं यहाँ पर तो नहीं बन रहा? मुझे शायद पता है यहाँ पर कहीं बिग बाज़ार बन रहा है, तो ये मे भी पेट्रोल पंप ही है, बिकॉज यहाँ पर दो एंट्री एक इन एक आउट है, तो इसलिए पेट्रोल पंप है। तो आगे हम चल रहे हैं, ये जो बिट्टू भाई जो आए थे ना ब्लॉग में, ये उनका मकान है, ये वाला, ठीक है सही जा रहा है ये वाला। हाँ तो देखो कितनी बड़ी कोठी है उनकी। अब आगे देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी चले बिकॉज टाइम भी ज़्यादा निकल रहा है, हमें जाना भी है ना, अभी सेल मोड़ा भी जाना है। वैसे जाना तो इसे गांव था, लेकिन स्टॉपेज इतने हैं, रिश्तेदार कह सकते हैं, रिश्तेदार मीन्स अब क्या कहे उनको, जाना तो है ही। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो हम निकल पड़े हैं घर को, क्या है सर इस वाले एरिया में आने का भी सोचा नहीं था, कभी ट्रैक्टर कभी दिखते नहीं थे, जैसे क्योंकि हम पहाड़ वाले एरिया में हमारा फाइनल वीडियो सेलेक्ट कर लिया। अच्छा वीडियो अपलोड हो गया? नहीं अपलोड नहीं हुआ, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो काफ़ी हरा भरा इलाका है ये, और देख सकते हो आप पूरी मिल जाएगी, ठीक है अच्छी जगह है। और आपको अगर इधर रहना हो तो कांटेक्ट करिएगा, मैं यहाँ पर वैसे बिल्डर का काम भी करता हूँ, और कंस्ट्रक्शन सब है मेरा, मैं प्राइवेट कंपनी में, कंपनी छोड़ो यार क्या बोलूँ तुम। तो ये बूबू जी गाय चरा रहे, गाय लेके, तो वो गाय लेके चल रहे हैं। ये देखो सुबह से शाम तक साइकिल घुमानी है, पढ़ाई लिखाई जीरो है इनकी, मोहल्ले के बच्चे हैं क्या बोलूं, फ्यूचर वैसे अपना भी फ्यूचर ब्राइट नहीं है, तो इनके बारे में बोलना ठीक नहीं है। गिरीश भाई तो होंगे नहीं मकान में, चला गया शायद। ये गिरीश भाई रहते हैं यहाँ पे आजकल। गिरीश गिरीश नहीं होगा यार, चला गया, उसका मैसेज आ गया था वैसे, वो है नहीं यहाँ पे। तो गिरीश भाई अगर देख रहे हो तो ब्लॉग, आपके घर में आया था, लेट हो गया सॉरी, लेकिन मिलेंगे बाद में जब हल्द्वानी आओगे, या हल्द्वानी हो तो बता देना यार, मैं घर में करके अंदर ही ज़्यादा रहता हूँ, बाहर आउटिंग कम होती है। तो हम बस पहुंचने वाले हैं, और ये है हमारी लोकेलिटी, देखो ये पूरा एरिया ऐसा, और ये बंदा अब ये बनाएगा, ठीक हमारे बेटा। ब्लॉग आने वाला है आप लोगों के लिए जल्दी से, उससे पहले तो ये वाला ब्लॉग आ जाएगा, जब तक ये ब्लॉग आया उससे पहले तो ये आ जाएगा। हाँ उससे पहले और सारे लिस्ट है ब्लॉगों की, ये काउंटिंग कर रहा है कितने हो जाएंगे, अभी तो 17-18 चल रहा है, 18 चल रहा ना, तो मतलब ये ब्लॉग आने तक तो 25-26 हो ही जाएंगे। कंटेंट फुल है, फुल इतना कंटेंट है कि अभी लैपटॉप में भी घुसाना है कुछ। लैपटॉप लिया नहीं रे भाई, दिला दे यार इसको, इसको कट कर देना यार, ये वाला लैपटॉप दिला दे यार भाई, इसको कट कर देना, लैपटॉप लेने का इरादा है पर पैसे ही नहीं मिल रहे यार, दे यार कुछ यार। वो ट्रैक्टर देखा तूने कैसा लग रहा है? नहीं नहीं ट्रैक्टर तो देखा हमने, वो तो पैसे तो दिला दे, पैसे अच्छा। तो दे, पैसे दे दे ना भाई, पैसे बोल रहा है यार ये, गाइज प्लीज सपोर्ट मी, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ गाइज, ऐसे कैसे चलेगा। मेघी जी और सब बढ़िया भाई? तो लैपटॉप के लिए पैसे तो दिला दे भाई, तू बात क्यों कर रहा है? तेरा लैपटॉप आ जाएगा, लैपटॉप की टेंशन मत ले, मेरा लैपटॉप है, मेरा 13-14 साल हो गए उस लैपटॉप को। ये तेरे लैपटॉप में भी कुछ वो है क्या, चलने लायक है? चलता है वो, चलाते हैं उसको, दौड़ाते हैं हम,
लेकिन थोड़ा वो लैपटॉप पुराना हो गया ना, तो पुरानी चीज़ों को लोग अहमियत देते नहीं है। नहीं। बात तो सही है, तो उसको कहाँ एडिटिंग के लिए? हाँ ले जाना, चार्जिंग लगाना पड़ेगा मेरे को, पर लगाना चार्जिंग पड़ेगा। हैवी भी है और काम कम करता है, ख़राब भी है। तो वो वैसे बहुत पुराना लैपटॉप है हमारा, जब वो लैपटॉप पैदा हुआ था 2009 में हुआ था, 2009 में पैदा हुआ था। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और प्रोसेसर भी काफ़ी डाउन हो चुका है, अब उसकी हालत बहुत ख़राब है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन बच्चा तो अपना ही है ना, बूढ़ा हो जाए तो चलेगा। तो ये हम पहुँच चुके हैं अपने घर। ये देखो, मम्मी ने इतना सारा वर्क किया हुआ है, मम्मी ने, पापा ने, और हो कुछ नहीं डाबा यहाँ पे, बेल ही बेल है, लोगों को लगता है कद्दू है, सब है, होता कुछ नहीं है। ये प्लांट लगाए हुए हैं, ये आगे का भी, और ये एंट्री करा भाई, ये कई एंट्री, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर ध्यान मत देना। और प्लांट ये देखो, प्लांट दिखाते हैं आपको बारीक से, ये सब दीदी ने किया हुआ है, उसी की मेहनत है, मम्मी और दीदी की, मेरा उतना कोई ऐसा शौक तो नहीं है, मुझे अच्छे लगते हैं बस। तो ये है प्लांट, कैसे लग रहे हैं बताना। तो इतना सा ही है ब्लॉक।